देखो जिसका इंग्लिश जीरो है अभी जो वीडियो बनाएगा, जिसका इंग्लिश जीरो है, भाई मेरा इंग्लिश जीरो, हमको समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें, तो इन लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो बना दे रहे हैं, समझ रहे हो ना जी। जीरो है एकदम, मैंने कैसे स्टार्ट करें। वास्तव में इंग्लिश हल्का फुल्का सभी को आता है, ठीक है, अरे ABCD भी आता है ना भैया, तुमको स्टार्ट करना है। ये जो जीरो है तुम्हारा सोच बना करके तुमको रख दिया है। आखिर सोचो कि हम लोग 6वां क्लास में थे और टीचर आ रहे थे पढ़ाने, वो टाइम इंटेंस पढ़ाएंगे, हम लोग को समझ में आ जाता था, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए देते थे, ट्रांसलेशन देते थे, समझ में आ जाता था। तो आदमी आज के डेट में जो बोल रहा है कि जीरो मेरा जीरो है, और जब भी स्टार्ट कर रहा है तो उसको लग रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ये सब डर करवा रहा है, और कुछ रीजन है ही नहीं है इसके पीछे। आज जिस दिन वो कॉन्फिडेंट अगर फील कर लिया, आज जिस दिन वो पढ़ना शुरू कर दिया, उस दिन उसको खुद ही समझ में आने लग जाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम पढ़ते हैं, हमको समझ में इंग्लिश आई भी नहीं करता है, इसके पीछे क्या रीजन है भाई? तुम नहीं पढ़े हो कभी जिंदगी में, तुम जा करके न्यूज़पेपर उठा लोगे या कोई भी किताब उठा लोगे, पढ़ोगे कैसे समझ में आएगा? तुम एक बाइक है, मान लो सपोज करो सन, वो बाइक है, तुम खाली बाइक देख रहे हो और बोल रहे हो भाई हमको चलाने नहीं आ रहा, हमको चलाने नहीं आ रहा, तो तुमको एक मेंटर चाहिए ना जो तुमको सिखाए कि ये क्लच है, ये गियर है। तो उसी तरह तुमको इंग्लिश में अगर क्या लिखा हुआ है, इफ़ यू वाना अंडरस्टैंड दैट, तो तुम कैसे समझ पाओगे? कोई होना चाहिए उसको समझाने वाला, सुनोगे कोई वो कि दूसरा बंदा उसको समझा कैसे रहा, देन इट विल बी बेनिफिशियल टू यू। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं हम? बहुत सारे लोग बोल रहे जीरो है। कुछ लोगों को ये है ना कि अब हम कुछ बुकें बता दे डायरेक्ट, कि भाई तू एक बुक बता दे हम वही कर लेंगे। उसके लिए भी हम बताए भाई कि तुम अगर तुमको करना है, तुम्हारा जीरो है, तो सबसे पहले जीरो का नाटक छोड़ दो। तुम क्या करो कि तुमको एक कॉम्प्रिहेंशन का हम ऐप दिए थे, जा करके उठा करके, वो डेली उनमें एक मैम बोलती है, शीतल सोनी मैम है, डेली उनमें समझाती है एकदम लाइन बाय लाइन, जा करके तुमको नहीं मान है, अरे एक महीना भी तो मेरे भाई सुनो उसको, सुनते सुनते तुमको एक दिमाग में ना आदत डेवलप हो जाएगा कि समझा कैसे जाता है, चीज़ों को लाइन बाय लाइन सीखा कैसे जाता है। फिर जब तुम जाओगे दूसरा चीज़ पढ़ने, तो तुम पढ़ोगे उसको, तो तुमको इजीली समझ में आने लग जाएगा। अब रही बात कि भाई उनको ग्रामर समझ में नहीं आता, पहली बात कि अपना रीडिंग पढ़ते 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 स्ट्रॉन्ग कर लोगे अगर, तो तुम्हारा कॉम्प्रिहेंशन और तुम्हारा क्लोज टेस्ट और तुम्हारी रीडिंग एबिलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी मेरे दोस्त। समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? सुनो, तो ये एक तरीका है, या तो अपना इंग्लिश रीडिंग इतना ज़्यादा रीड कर लो कि कल को अगर इंग्लिश में कोई एरर आए तो तुम इजिली आसानी से कर लो, एक ये तरीका है। वो कैब के लिए चलो मानते कि तुमको लिखना नहीं है, तुम लेजी हो, बहुत ज़्यादा तुम लेजी हो, अरे भाई इतना ज़्यादा पढ़िए लो, इतना ज़्यादा पढ़ पढ़ के समझ लो कि सारा वर्ड एक टाइम पे सब रिपीट होने लग जाएगा। कोई आके सामने से वर्ड पूछेगा तो तुम डायरेक्ट बता दोगे ये वर्ड यहाँ पे पढ़ते, इसका इस सेंस में यूज होता है, वो कैब भी ऐसे ईजी हो जाएगा। तुमको अगर ग्रामर मेरे दोस्त अगर सीखना है तो तुम जाओ, अगर नहीं जीरो है किसी टीचर का कोर्स ले लो, तुम बेसिक भी चीज़ें करते चले जाओगे ना, बेसिक चीज़ें करोगे या फिर किताब पढ़ोगे, देन बहुत ज़्यादा ये फायदा हो जाएगा तुमको इसका। दिमाग में ये क्या होता है कि डर है डर बना करके रखे हैं। सबसे बेस्ट SSC के लिए हम नीतू मैम के वॉल्यूम 1 को मानते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले जो है वो SP बक्स उठा करके ग्रामर अपना पढ़ ले, जितना उसमें का वोकैब दिया है वो भी लोग कर लेगा तो सफिशियंट है। एक बेस तो तुम एटलीस्ट बना लो, और उसके बाद देखो इंग्लिश एक बार में करने पे नहीं होता है, उसको तुम जब तक रिवाइज नहीं करोगे, तुम 10 बार अगर इंग्लिश कर लियो ना तो वो कम पड़ जाएगा तुम्हारे लिए, तुम भूल ही जाओगे। उसको कंटिन्यूटी में रखो, उसको रेगुलर रिवाइज करते रहो, तब जा करके इंग्लिश भाई एक ऐसा देखो सनू, दुनिया में कोई भी चीज़ एक बार पढ़ लेने से, दो बार पढ़ लेने से कंप्लीट पूरा हो नहीं गया तुम्हारा, समझ रहे हो? अभी हम ग्रामर के लिए भी बोल दिया ना कि नीतू मैम का वॉल्यूम 1 SP बक्स उठा करके पढ़ो ना, या फिर जिस टीचर से तुम पढ़ रहे हो मेरे भाई उसी टीचर से पढ़ो तुम, इसमें क्या दिक्कत है? पढ़ने के बाद तो मॉक लगाओ, मॉक में एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस करो, ये मत सोचो कि एक बार एनालिसिस कर ले तो दोबारा हमसे बनिए जाएगा, नहीं, फिर भी गलत हो सकता है, सुधरोगे कैसे? बार बार रिवाइज करो मेरे भाई। तुम अगर कुछ नहीं कर रहे हो तो खाली तुम रीड करो मेरे भाई। अब रीड जब शुरू में तुमको नहीं समझ में आ रहा तो सुनो कि लोग समझा कैसे रहे हैं, यूट्यूब पे जाकर के वीडियोस देख लो, समझ रहे हो? मॉक लगाने से पता चलेगा कौन सा सब्जेक्ट में कौन सा, वो तो मॉक दूसरा चीज हो गया, उसको भी हम बात करेंगे। तुम्हारा यार 3 सेक्शन है, वो कैब है, रीडिंग एबिलिटी है, ग्रामर है, कुछ नहीं है, वीडियो बनाने दो ऑप्शन हमको। सो हेलो गाइज, नमस्कार, मैं अमृत राज आप सभी का स्वागत करता हूँ, और इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है टेलीग्राम के एक चैनल ने जिसका नाम है SSC CGL 2022, ठीक है। और दोस्तों मैं एक बात बता दूं कि बहुत सारे लोग ना कन्फ्यूज रहते हैं कि अमृत भाई मुझे बता दो कि करना क्या है, डायरेक्ट बुके बता दो हमको। दोस्त किरण लिए हो चुपचाप शांति से पढ़ो, पिनाकल का बुक लिए हो आप शांति से उसको पढ़ो, ठीक है, बार बार रिपीटेड टाइम रिवाइज करो, अगर इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है तो जा करके सुनो पढ़ो, रीड, समझ रहे हो? डेली रीड करो, रीड करते करते भी इंग्लिश एक लेवल पे पहुंच जाता है मेरे दोस्त, समझ रहे हो ना आप मेरे दोस्त? डरो मत, उठो और पढ़ाई करो मेरे भाई, पढ़ाई करो, सब चीज़ आपके सामने है, इतनी सारी रिसोर्सेज है, चुनो चुनिंदा रिसोर्सेज को, जितने भी सब पिनाकल हो गया, किरण का बुक हो गया, और जितने भी टीचर है ना ये सारे, अरे यार किसी एक को भी उठाओ और पढ़ाई करो,
आप कहते हो वो कैब के लिए कौन सा किताब इनफ है, पिनाकल का वो कैब अगर पढ़ जाओगे तो इनफ है, किरण का वो कैब अगर सर आप देख लोगे ना जितना भी एसएससी का दिया है वो इनफ है। क्या बताएं हम आपको यार, क्या बताएं दोस्त, अब क्या बोले हम आपको, बोलो क्या बोले दोस्त। प्रीवियस ईयर एसएससी 99.5% वो कैब रिपीट होता है, ब्लैक बुक घर में रखे हो पढ़ जाओ, रट्टा मत मारना बैठ के। वो कैब पे जो वीडियो बनाए थे ना उसमें क्या बोले थे कि चीजों को समझना। आप कहोगे वो कैब में इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है तो भैया रीड ही करो, आप रीड ही करो। चलो एक बार कंक्लूड कर देते हैं वीडियो को दोस्त। आज हम वीडियो शूट करने वाले थे लेकिन भाई से बात होते होते हमको लग रहा है वीडियो शूट हो गया। ग्रामर के लिए नीतू मैम का वॉल्यूम 1 प्रेफर कर सकते हो और एसपी बख्शी का ले सकते हो आप, एसपी बख्शी इंग्लिश में लिखते हैं। 5, 6, 7 बार पढ़ो, लगातार पढ़ो, एक बार में टाइम लगेगा दोबारा टाइम नहीं लगेगा, समझ गए दोस्त, शांति से करो। वो कैब के लिए किरण का बुक लियो, किरण में जितना भी वो कैब है सब सफिशियंट है, उतना कर जाओगे भाई तो वर्ड से परे हो जाओगे, कोई जरूरत नहीं है वर्ड पावर मेड इजी एक बुक आता है रूट वर्ड पढ़ने का, ये सब क्या कर रहे हो यार, देखो कि रिपीट हो रहा है पहले उसको करो। चलो जो कर लिया है उसको भी हम कह रहे हैं चलो कर लिया ना, अब जो नए लोग हैं जो कंफ्यूजन में है जिनका जीरो है, देख करके डरो मत कि बहुत बड़ा सिलेबस है, नहीं है बहुत बड़ा सिलेबस, डेली अगर कंसिस्टेंसी के साथ करते चले जाओगे कब खत्म होगा पता भी नहीं चलेगा। गलत बोल रहे तो बोलो दोस्त, गलत बोल रहे तो बोलो, भटको मत, क्लैरिटी रखो, एकदम क्लैरिटी रखो मेरे भाई। मुझे नहीं पता कि इस वीडियो पे क्या रिस्पॉन्स आएगा, मुझे नहीं पता है, जो दिल में बात थी वो हो गई है, थोड़ा आज वीडियो बनाने का स्टाइल ही चेंज हो गया, हम ऐसे ही कैमरा ऑन किए थे, भाई से बात हो गया, ठीक है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ो जाओ पढ़ो मेरे भाई।